हम लोग चंडीगढ़ से आए हुए हैं, सभी गांवों के जितने भी किसान हैं यहाँ पे गुरुद्वारा साहब दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन कल जो लखीमपुर में हुआ है वो लोग सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर हमले करके हमें दबा लेंगे, लेकिन वो इस भूल में हैं कि अगर हमने हमले करने स्टार्ट कर दिए उनको भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। जो वो मंत्री मुत्रीसा है ना, जिसका लड़का है जो लौंडा बोलता है, उसको बोलो कि वो एक मिनट भी रुकेगा नहीं। हम लोग अभी शांति में हैं। मोदी जी के कहीं प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, क्या कहना चाहते हैं? मोदी की तो शर्मा नहीं चाहिए कि वो किसानों के खिलाफ जा रहा है। किसान अन्नदाता है पूरे भारत का, पूरे भारत में किसान का पैदा किया हुआ अनाज वो खा रहे हैं, वो भी वही अनाज खा रहा है। उसको शर्मा नहीं चाहिए कि जनता की महंगाई इतनी बढ़ा दी है, जनता की लूट लूट के जेबें उन्होंने खाली कर दी है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, काम उनके खत्म कर दिए हैं। क्या दे रहे हैं वो लोगों को, क्या दे रहे हैं वो जनता को? ऊपर से जो उन्होंने हमले किए हैं, अगर वो किसान है, वो भारत में किसी भी धर्म का किसी भी जाति का किसान है, हम सब उसके साथ में खड़े हैं। अत्याचारी सरकार के खिलाफ हम लोग नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को पुतला दहन किए हैं, किसान आंदोलन कर रहे और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटा द्वारा कर रहे आंदोलनकारी किसानों पर अपनी गाड़ी को चढ़ा देता है और करीबन 4-5 की संख्या में मौत हो जाती है। हम इस पुतला दहन के मांग से पुतला दहन के माध्यम से हम मांग करने आए हैं कि सीबीआई जांच किया जाए और केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त किया जाए, उनके पुत्र को तत्काल 302 के मुकदमा कर गिरफ्तारी किया जाए। ABP News, आपको रखे आगे।